करके आए साथ में, समझ रहे हैं आप, साथ में आए, साथ में बैठने की जगह ढूंढ रहे थे। मैंने पता किया बाद में, मैंने पता किया तो पता चला कि ये लोग रूममेट भी हैं। तो मेरे मन में तो एक ही चीज़ आई कि कानून का सही इस्तेमाल और सही मतलब सही सम्मान कोई इनसे करना सीखे, तो मैं उससे जोड़ता हूँ आपको। अच्छा, आपको पता है धारा 370 क्यों हटाई गई? मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पत्नी, तत्कालीन प्रधानमंत्री की पत्नी रेहम खान ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इमरान खान की कुछ शारीरिक क्षमताओं के कारण उनको तलाक दे रही थी। और सुनिए आगे क्या सुनिएगा। और फिर वो जब कुछ दिनों बाद फिर वहां से सिद्धू गए और इंडिया आए, सिद्धू ने बोला गुरु जितना मजा मतलब पाकिस्तान में आया ना उतना तो तो मैं चार लाइनें और सौंपता हूँ आपको कि उन पर क्या गुजरी कि अरमान हमारा हटा दिया, इस पूर्णिमा से किसी ने चांद तारा हटा दिया। उन पर क्या गुजरी कि अरमान हमारा हटा दिया, इस पूर्णिमा से किसी ने चांद तारा हटा दिया। ये दो लाइन पकड़िएगा, संसद में मारी गई आंख दे दी गई छप्पी, कोर्ट ने उनके सम्मान में धारा ही हटा दिया। चलिए मैकेनिकल वाले बहुत खुश है, मैं आपको एक वो करता हूँ कि आपकी नजर की दुनिया भर में घूम घूम के जो खेल खेले हो, इस जहाँ में रोज लगाते तुम नए नए मेले हो, सिंगल पने की भी हद होती है, अब तो रजाई भी चीख पड़ी इस सर्दी में तुम अकेले हो। मैं आपको चरित्र भाव दिया था, मैं आते ही आपको चरित्र भाव चुका हूँ, इस कारण मुझे वही सुनाना है जो मैं सुनाऊंगा। तो बहुत अच्छा सुना है आप लोग, समय की सीमा है और जैसा कि हाँ, और सीमा का समय भी है, देखिए टाइमिंग का क्या खेल है। तो समय की सीधा, मैं लास्ट के चार लाइनें पढ़ूंगा और लाइनें वो ऐसी हैं कि जूनियर्स पे संबोधन, जूनियर गर्ल्स पे संबोधन जो सीनियर बॉयज करते हैं वो क्या है, तलब तुम्ही मेरी रीत बन जाओ, तलब ये है तुम्ही मेरी रीत बन जाओ, तुम्ही मेरा गीत तुम्ही मेरी संगीत बन जाओ, अगर उम्र है राह में रोड़ा, तो मैं बाबा बनने को तैयार हूँ, हनीप्रीत बन जाओ। एक बार जिटर मिटर मत करो, जरा जोरदार कानपुरी या ताली बजा दो।